मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत दिनों कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इससे पहले 3 जून को कानपुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शांति बनी हुई है। यह शांति व्यवस्था चिरस्थायी रहे इसके लिए सतर्क सावधान रहना होगा। समाज विरोधी कुत्सित प्रयासों पर उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, किंतु हमें हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन 24/7 अलर्ट मोड में रहे। यह दुखद है कि साजिशकर्ताओं ने अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए किशोर व युवाओं को सहारा बनाया। ऐसे में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान जरूरी है। यह समझना होगा कि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे प्रयास आने वाले दिनों में फिर से हो सकते हैं। इन लोगों का उद्देश्य प्रदेश के शांति सौहार्द को बिगाड़ना है। हमें एक टीम के रूप में काम करते हुए ऐसी कोशिशों को नाकाम करना होगा। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, ऐसे में हमें सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। धर्मगुरुओं, सिविल सोसाइटी से सतत संवाद संपर्क बनाए रखें। इसके साथ साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाए। कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक नजीर बने, माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। ऐसे में संवाद और सेक्टर स्कीम लागू की जाए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए फील्ड के अधिकारियों के पास सभी तरह के निर्णय लेने का अधिकार है। स्थानीय स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अपने यथोचित निर्णय लें। जिन भी जनपदों में आने वाले दिनों में माहौल बिगाड़ने की आशंका हो, वहां आवश्यकतानुसार धारा 144 प्रभावी किया जाए। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक आम जन की संपत्ति को हुई क्षति की वसूली संबंधित दोषी व्यक्ति से ही कराई जाए। प्रयागराज में वसूली की नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अन्य जनपद भी तत्परता के साथ कार्रवाई करें। इस बाबत ट्रिब्यूनल गठित है, नियम संगत कठोरतम कार्रवाई किया जाए। अवैध कमाई समाज विरोधी कार्यों में ही खर्च होती है, ऐसे में साजिशकर्ताओं अभियुक्तों के बैंक खातों, संपत्ति आदि का पूरा विवरण एकत्रित करें। इनके वित्तीय स्रोत की गहनता से पड़ताल की जाए। डेडिकेटेड टीम बनाकर जांच करें। ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आएं। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक भी निर्दोष को छेड़े नहीं और कोई भी दोषी छोड़े नहीं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। हर दिन सायंकाल पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग जरूर करें। PRV 112 एक्टिव रहे। बुलडोजर की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों माफियाओं के विरुद्ध है। यह कार्रवाई सतत जारी रखी जाए। प्रदेश में किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि किसी गरीब असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों से अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करा लिया है, तो पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका समुचित व्यवस्थापन किया जाए, फिर अन्य की कार्रवाई हो। माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि साजिशकर्ताओं अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाए। CCTV फुटेज की गहनता से जांच करें। ऐसे लोगों के विरुद्ध NSA अथवा गैंगस्टर के नियमों के तहत नियम संगत कार्रवाई की जाए। यदि किसी अपराधी के दोबारा किसी अराजक घटना में संलिप्तता पाई जाए, तो चार्जशीट में इसका उल्लेख जरूर करें। प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड संचालित ना हो, ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली होने को बढ़ावा देते हैं। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हो, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। टैक्सी स्टैंड के लिए ठेकेदार के चयन करते समय उसका विधिवत पुलिस सत्यापन कराएं।
अब तक हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं। परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए डग्गामार बसों का संचालन बंद कराया जाए। आम आदमी की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। शासन प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों कार्मिकों को इसे समझना चाहिए। आम आदमी को न्याय पाने का अधिकार है। तहसीलों प्राधिकरणों आदि जनहित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में हर दिन एक घंटे की अवधि जन सुनवाई के लिए नियत करें। इस अवधि में अधिकारी जनता से मिले, शिकायतें समस्याएं सुने और मेरिट पर निस्तारण करें। IGRS CM हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बनकर उभरा है। इसके प्रकरण लंबित ना रहें, इनकी हर कार्यालय में सतत समीक्षा होनी चाहिए। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार NG, ADG जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज सर ये UBC हमारे फील्ड के सभी ऑफिसर्स के साथ आपने आयोजित की, सर आपका स्वागत है। सभी अधिकारी उपस्थित हैं। सर, पिछले कुछ दिनों में हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मजबूती से काम किया है सर, और हम कह सकते हैं कि पूरे देश में यूपी की व्यवस्था की तारीफ की जा रही, लेकिन जहाँ भी हम लोगों को और मजबूती से काम करना है उसके लिए जरूर आज आपने ये आदेश दिया है सर, तो सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से बहुत संक्षिप्त में केवल कहना चाहूँगा कि जो FIR दर्ज हुई है उनमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनको लीड करें गैंगस्टर एक्ट में, बाकी और गंभीर धाराओं में, और जहाँ आप आकलन करना चाहें अगले 24 घंटे में NSA के भी आकलन सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बेल की एप्लीकेशन जल्दी पड़ेगी। तो पहला बिंदु तो यह है कि जो FIR दर्ज हुई उनकी समीक्षा क्या है। दूसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण है, जो पुराने समय में इन्हीं में से कुछ लोग कहीं शामिल रहे हैं किसी भी और क्रिमिनल इंसिडेंट्स में, तो ऐसे लोगों पर भी चेक कर लें कि उन पर FIR यदि दर्ज हुई है या उनका नाम खुला है तो उनकी चार्जशीट में नाम गया है कि नहीं। कुछ यानी सोमवार तक विशेष रूप से जो बड़े शहर हैं, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बाकी फिरोजाबाद है, इनकी जो FIR है उनकी समीक्षा करके ये चेक कर लेंगे कि सभी चार्जशीट पर्याप्त हो गई है कि नहीं। आज 14 कंपनी RAF और CRPF भागी है। पुलिस की ब्रीफिंग ये बिंदु उभर कर आया है कि जो भी पुलिस मौके पर लगाई जाती है कम से कम एक दिन पहले उसकी स्थानीय ब्रीफिंग वहां पर की है। नेक्स्ट, वसूली की कार्रवाई, प्रयागराज में वसूली की कार्रवाई इनिशिएट हो गई है, आज ही उसकी नोटिस जारी कर दे पूरे प्रदेश के सभी अधिकारियों को। मैं बताना चाहूंगा, एक लखनऊ में बना है और एक मेरठ में बना है, जिनके अलग अलग जनपद है, जिनके GO आपके पास ऑलरेडी है, इन ट्रिब्यूनल्स को तुरंत DM वसूली की कार्रवाई कर, जो लॉस हुआ है उसमें निजी संपत्ति भी इंक्लूड करेंगे, और करते हुए उन्हें इन लोगों से प्रभावी कार्रवाई करते हुए वसूली भी की जा सके। जो करी भी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कई NGOs में, कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं घुसपैठ ऐसे संगठनों की रही है कि अकाउंट से धनराशि मिल रही है, इसकी चेकिंग करेंगे। कानपुर के DM साहब ने एक अच्छी जांच पड़ताल की है, तो ऐसे लोग जो अवैध कार्य कर रहे हैं उनके खातों को खंगाल कर मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में इट इज अ जॉइंट एफर्ट, जहाँ पर और काम करने की आवश्यकता है। काफी लोगों ने संवाद किया है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो, और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो, लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो, हर एक गतिविधि पर हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें, और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो, और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे, उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे,
और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो पद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था वो इसीलिए कहा था, पहले से हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पर माइक थे लगे हुए अवैध रूप से शोरगुल कर रहे थे उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं आप, गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए, व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए।